अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रई जाहिद और आज हम मौजूद हैं रूमी सिटी की साइट पे। और रूमी सिटी की डेवलपमेंट पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाई दी। माशाल्लाह जिस तरीके से काम यहाँ पे हो रहा है वो हर दफ़ा हमारे लिए सरप्राइजिंग होता है। जब भी हम कुछ अरसे बाद विज़िट करते हैं तो काफ़ी ऐसा काम हो चुका होता है जो हमारे लिए नया होता है, हमारे देखने वालों के लिए भी नया होता है। अच्छा, आज यहाँ पे जो साइट के इंजीनियर हैं उनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं, उनकी ज़बानी हम सुनते हैं कि आने वाले दिनों में उनके प्लान्स क्या हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि हम क्योंकि आउटडोर वीडियो शॉट कर रहे हैं, हवा बहुत तेज़ है, ये हाइटेड जगह पे रूमी सिटी लोकेट करता है, तो अगर आपको हवा का शोर मिले या आवाज़ थोड़ी कम समझ आ रही हो तो आप ज़रा ये इग्नोर कीजिएगा। तो आज हमारे साथ हैं रूमी सिटी के इंजीनियर सिराज अहमद जुनेजो साहब। तो सर आप अपना तारुफ भी करा दें, अपनी टीम का तारुफ भी कराएं और बाकी आगे हम आपसे पूछते हैं ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट के हवाले से क्या आपके प्लान्स हैं और क्या क्या आने वाले दिनों में आप हमें सरप्राइज़ देने वाले हैं। वालेकुम सलाम सर, हम रूमी सिटी की तरफ से जो है इंजीनियर यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे हैं, हमारे इंजीनियर अवेश साहब हैं और ये हमारे इंजीनियर हैं कॉन्ट्रेक्टर है हमारे साथ, तो उसके अनस साहब जो है ना इंजीनियर है यहाँ पे। हम इस प्रोजेक्ट को क्वालिटी वाइज और प्रोग्रेस वाइज जो है ना टाइम टू टाइम डेली बेस पे चेक कर रहे हैं और मुकम्मल हमारे साथ यहाँ पे टेक्निकल टीम है रूमी सिटी की तरफ से और डेली बेस पे जो है ना उसी चीज़ को हम देखते रहते हैं और जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं स्पेसिफिकेशन है उसी काम के हवाले से हम डेली बेस पे काम को देखते हैं। इस वक्त जो सर आपने ये काम देख लिया है तो हमने ये काम जो है ना हमने फेज़ वन में जो है ना 57 एकड़ पे जो है ना हमने डेवलपमेंट की है और ऑलमोस्ट अल्लाह के शुक्र से ये तकरीबन 60-70% जो है ना हमारी प्रोग्रेस अचीव हो चुकी है जो एम्बेडमेंट की है और वो उसको क्वालिटी वाइज देखते हुए। और इसके अलावा फेज़ टू होगा तो वो फेज़ टू हम जो है ना इसी तरह जो है ना आगे बढ़ते जाएंगे इसी को जो है ना क्लोज़ करते हुए, और जैसे ही क्लोज़ होता जाएगा और ये 57 एकड़ जो है ना हमारा तकरीबन आलमोस्ट 5 महीने में जो है ना ये मुकम्मल डेवलपमेंट हो चुकी है जो बहुत कम टाइम में और बहुत अचीवमेंट की है। हमारे साथ जो हमारे मेम्बरान हैं और जो काम करने वाले हैं और रूमी सिटी के हमारे जो ओनर्स हैं और उनकी बहुत रहनुमाई में और डेली बेस पे जो है ना हमारी उनकी कोऑर्डिनेशन होती है, काम होते रहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सिराज साहब। अच्छा मुझे ये बताएं कि शुरू में हमने हमारे मैप में क्योंकि विलाज हैं तो विलाज के बाद हमारी कितनी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, जो हमारे प्लॉट्स के ब्लॉक हैं ए बी सी डी तो वहाँ तक अभी कितना कितना काम हो चुका है? हाँ सर, ये उसके विलास के जो है ना हमारा एक राउंड अबाउट है, वो जो हमारी आरडी है वो हमने अचीव कर चुके हैं और उसके बाद आगे हम जो है ना कंटिन्यू कर चुके हैं और उसी काम में भी जो है ना प्रोग्रेस में आई है और प्लानिंग में भी आई है, शेड्यूल में भी हमारा काम वो आ गया है कि हम उस शेड्यूल के हिसाब से जैसे आपने विजिट में देखा कि हमने पहले हमारी ऑफिसेस नीचे की तरफ थे, अभी हमने मूव किए हैं अपनी ऑफिसेस को काम के हवाले से उसको देखते हुए कि आपके डेवलपमेंट हो रही है, तो ये इसी काम को जो है ना इंशाल्लाह ताला हम आगे भी स्पीड से काम को लेके जाएंगे। क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं यहाँ पे? मुश्किल टेरेन है, पहाड़ी इलाका है और स्पेशली यहाँ पे देखें तो हिल है, ये आगे भी डिप्रेशन है और पीछे भी चढ़ाई है, तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, कोई मुश्किल आ रही है आपको? सर ये काम की नौयत को देखते हुए कुछ प्रॉब्लम्स काम में आ जाते हैं, डिफ़िकल्ट हैं और मगर अल्लाह का शुक्र है उसको बहुत अच्छी तरीके से जो है ना हम उसको अचीव कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास मुकम्मल टेक्निकल टीम है और जो जिस तरह से हमें डिज़ाइन मिला हुआ है उस डिज़ाइन को हम अचीव करते हुए अपना आगे चल रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती है तो हम अंडर डिस्कस आपस में अपनी टीम्स को जो है ना करके उसी अगले टारगेट को अचीव कर लेते हैं। थैंक यू सर। अच्छा ये हम जो सेल कर रहे हैं ये 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पर सेल कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, तो क्यों आपको लगता है कि 3 साल में आप इस काबिल हो जाएंगे कि यहाँ पे प्लॉट हम डिलीवर कर पाएंगे? सर बिल्कुल, ये जो शेड्यूल के हवाले से तो ये ठीक है, हमारी मार्केटिंग वाले देखते हैं मगर इंशाल्लाह ताला हमारा जो टारगेट है ये 3 साल से पहले पहले काफ़ी जो है ना हम अपने प्रोजेक्ट को जो है ना डेवलप करने में टारगेट हैं कि हम अपनी जो है ना चीज़ें अचीवमेंट कर लें। सिराज साहब थैंक यू सो मच। और दूसरा ये कि यहाँ पे अगर आप विज़िट करते हैं तो आपको ये इनकी जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ बातों में नहीं ऑन ग्राउंड नज़र भी आएगी, इतना अच्छा खासा काम कर चुके हैं और पिछले तकरीबन शुरू किया हुआ कितना टाइम हो गया? तकरीबन 6 महीने से तो कम हुआ है, कितना हुआ है? हमारे तकरीबन जो है ना तकरीबन 5 महीने हो गए, उसी में भी जो है ना काफ़ी चीज़ें जो डेज आते हैं छुट्टियों के डेज आते हैं वो माइनस करें तो वो तकरीबन 4 महीने में जो वर्किंग डेज है तो हमने अपनी बड़ी अचीवमेंट की है
और मुकम्मल आपने राउंड में देखा है कि इनसे लेके जो जहाँ तक 57 एकड़ तक जो है ना मुकम्मल टॉप ऑफ सब ग्रेड और प्रोफाइल के हिसाब से हमने अपनी चीज़ें अचीव की हैं। थैंक यू सो मच सिराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, और इस तरीके से काम करते रहें। आने वाले दिनों में हम दोबारा विज़िट करेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह कुछ हफ्तों बाद, तो दोबारा यहाँ की डेवलपमेंट भी देखेंगे और आपसे उस टाइम पे भी दोबारा बात करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, तो आज आपने यहाँ पे डेवलपमेंट के हवाले से हमने आपको अपडेट दी। जो लोग यहाँ पे ऑन ग्राउंड फिजिकली मौजूद हैं और काम करा रहे हैं, उनका क्या नुकता नज़र है और उनकी क्या प्लानिंग है, उस हवाले से आपको बताया है। बाकी रोमी सिटी में अपना प्लॉट बुक कराना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, मेरी टीम से रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन लोकेशन का प्लॉट भी देंगे और जो बेहतरीन सर्विसेज हमारी आपको मिलनी है वो भी इंशाल्लाह आपको देंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।